Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मियोसिस वन की प्रोफेज वन स्टेज। तो प्रोफेज वन आपकी मियोसिस वन की फर्स्ट स्टेज है और ये लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स स्टेज है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से कैसे हमारी मियोसिस की प्रोफेज वन डिफरेंट है वो हम देखेंगे। प्रोफेज वन फर्दर सब डिवाइडेड है फाइव फेजेस में और ये जो फाइव फेजेस है वो है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब ये पांच स्टेजेस को याद करने के लिए हम निमोनिक्स भी देखेंगे और इन सब स्टेजेस में होता क्या है वो हम पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है। प्रोफेज वन में जो पांच स्टेजेस है उनको हम याद करेंगे। लेट जोया पिक डांसिंग डॉल। तो एल से लेप्टोटीन, जेड से जाइगोटीन, पी से पैकेटीन, डी से डिप्लोटीन एंड लास्ट डी इज फॉर डाइकाइनेसिस। तो ये सभी पांच स्टेजेस हैं। तो आपकी लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आपकी लेप्टोटीन है। यहाँ पे क्या होगा, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रॉपरली कंडेंस होने लगेंगे, आपको दिखने लगेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके क्रोमोसोम्स और सेंट्रोमियर। नेक्स्ट आती है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमें पता है कि हमारे जो गेमीट्स हैं वो बायमियोसिस बने हैं। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम मीट होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट में हाफ जो क्रोमोसोम है वो मेटर्नल है और हाफ जो क्रोमोसोम है वो पेटर्नल है। तो अगर फीमेल में 23 क्रोमोसोम है ओवम में और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है तो वो दोनों सभी क्रोमोसोम 1 to 23 मेल में एंड 1 to 23 फीमेल में वो सभी क्रोमोसोम्स एक दूसरे के होमोलोगस हैं, मींस सेम है। तो वन क्रोमोसोम ऑफ फीमेल एंड वन क्रोमोसोम ऑफ मेल। तो इसी तरह 23 के 23 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी सेकेंड स्टेज में, दैट इज जाइगोटीन स्टेज। तो वो जो स्टेज है वहां पे आपकी पेयरिंग होगी बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जब पेयरिंग होगी तो वो पेयरिंग के साथ आपको ये दिखेगा साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और ये साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में और ये किस प्रोसेस से बना, साइनाप्सिस। नेक्स्ट आता है पैकेटीन स्टेज। अब पैकेटीन स्टेज का जो एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यहाँ आपको ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, आपको चार क्रोमैटिड्स दिख रहे होंगे। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं और ये दोनों, बट ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका पैकेटीन स्टेज है यहाँ होगी क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होगी आर्म्स के बीच में और आर्म्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्याज्मेटा और ये क्याज्मेटा फॉर्मेशन की वजह से आपको मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, जहां पे आपको नया जेनेटिक मटेरियल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो अब आप देखो ये आपका पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम था जिसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ और न्यू सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें मिले, रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें मिले। इसीलिए हम अपने पेरेंट से सिमिलर हैं बट हम अपने पेरेंट के क्लोन नहीं हैं। जो आपने 10th में भी पढ़ा है कि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, तो ये रीजन है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स आते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं पर हम क्लोन नहीं हैं बिकॉज हमें वेरिएशन मिली है। तो पैकेटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपका क्याज्मा फॉर्मेशन हो गया, आपको नए रिकम्बाइंड क्रोमैटिड्स मिल गए। अब नेक्स्ट इज डिप्लोटीन स्टेज। तो डिप्लोटीन स्टेज में आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा, साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लग जाएगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो आपकी ये क्याज्मा बनी थी वो और पूरा जो क्रॉसिंग ओवर हुआ ये सब सेपरेट होने लग जाएगा। डिप्लोटीन में सिर्फ वो पार्ट अटैच
रहेगा जहां पे क्याज्मा बनी है, जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है, एक्सेप्ट दैट और सभी पोर्शन सेपरेट होने लग जाएंगे. नेक्स्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस काइनेसिस सेपरेशन होगा. आपके ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से अलग होने लग जाएंगे, पूरे मतलब अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज आएगी मेटाफेज. और हमें पता है मेटाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट या इक्विटोरियल प्लेट पे अरेंज होते हैं. तो डाइकाइनेसिस आपकी लास्ट स्टेज है मियोसिस वन के प्रोफेज वन की. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरह से ये क्याज्मा फॉर्मेशन हुआ आपका, और यहीं से आपको न्यू कॉम्बिनेशन मिले. तो ये आपकी स्टेजेस हैं अंडर द माइक्रोस्कोप. आपके सारे स्टेजेस कैसे दिखते हैं हमें पता है. मियोसिस में हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स आते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. तो ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आपके क्याज्मा, ये जो फॉर्मेशन हुआ बाइवेलेंट या टेट्राड, क्योंकि हमें 4 सेपरेट क्रोमोसोम्स दिखते हैं. हमारे पास 2 डॉटर क्रोमोसोम्स आए जो कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स. इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हो सारी स्टेजेस और उनमें क्या क्या हो रहा है. तो अभी हमने मियोसिस वन की स्टेजेस के डायग्रामेटिक व्यू देखे, तो अब उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हमने डिस्कस किए, उसे दोबारा देखते हैं. लेप्टोटीन में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप प्रॉपरली, वो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स हमें दिखेंगे, ठीक है, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, थ्रेड्स. अब नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या हो गया, पेयरिंग स्टार्ट हो गई होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बाय द प्रोसेस ऑफ साइनाप्सिस. आपका साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, किनके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में. नेक्स्ट अब आपकी पैकेटीन स्टेज आई. पैकेटीन स्टेज में पेयरिंग हो रही है आपकी. पेयरिंग किनके बीच में हो रही है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के बीच में. मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनके बीच में पेयरिंग हो गई. 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और पेयरिंग किनके बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में. पेटर्नल एंड मेटर्नल क्रोमोसोम्स के बीच में तो हमारे पास टेट्राड्स हैं, क्रॉसिंग ओवर हुई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, न्यू रिकॉम्बिनेशन आ रहे हैं. क्रॉसिंग ओवर जिस एंजाइम की वजह से हो रहा है वो एंजाइम है रिकॉम्बिनेस. तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिससे हमें 2 रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स मिलेंगे. और रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एंड इट इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन. तो पैकेटीन जैसे ए स्टेज खत्म होगी, वैसे वैसे आपका रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी एंड पे आ जाएगा. नेक्स्ट आएगी आपकी डिप्लोटीन स्टेज. तो डिप्लोटीन स्टेज वहां है जहां पे आपका साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन डिसॉल्व होने लग गया और आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लग गए एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जहां क्याज्मा बना था. तो आपकी ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये काफी वर्टिब्रेट्स में देखी जाती है, उनके ओसाइट्स में, मींस ओवरी के अंदर जो ये आपके ओवम बनेंगे फ्यूचर में, तो उनके जो प्रिकर्सर है वो आपके ओसाइट्स हैं. ओसाइट्स फ्यूचर में डेवलप होके एक मेच्योर ओवम बनाते हैं. तो जब एक फीमेल वर्टिब्रेट डेवलप हो रही होती है, जब एक फीमेल डेवलप हो रही है इनसाइड द एम्ब्रियो, तो उसकी ओवरी में जो ओसाइट है वो मियोसिस वन की प्रोफेज वन की डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट रहते हैं अंटिल और अनलेस जब प्यूबर्टी में ओजेनेसिस वापस से रीस्टार्ट नहीं होता. लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस, जिसमें आपके फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट होने लग जाएंगे. मींस आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होने लगेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी मेटाफेज स्टेज आएगी जिसमें आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होंगे एट द मेटाफेज प्लेट. तो डाइकाइनेसिस आते आते प्रोफेज वन जब आपका खत्म होगा, लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस आपकी प्रोफेज वन की, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, ऑर्गेनली डिसअपियर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो गई, तो वो सभी चीजें यहाँ होंगी. तो आपका प्रोफेज वन जो है मियोसिस का, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, आपको न्यू रिकम्बाइंड क्रोमैटिड्स मिल रहे हैं, ये सब चीजें आपके माइटोसिस के प्रोफेज में नहीं होती हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1 और उसके आगे की स्टेजेस.
इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।